जिले भर की अनाज मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन खरीद न होने के कारण अनाज मंडियां धान से भर चुकी हैं। ऐसे में किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि वे अपने धान को कहां बेचें। दूसरी ओर जिन किसानों ने धान की फसल की कटाई की है, उनको मौसम खराब का डर सता रहा है। इस बीच धान की खरीद शुरू होने से पहले ही आढ़तियों ने 18 सितंबर से हड़ताल शुरू कर दी है। वैसे तो करीब करीब हर साल ही ऐसा होता आ रहा है कि सीजन शुरू होते ही आढ़ती किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर हड़ताल करते रहते हैं और फसलों की बेकदरी होती रहती है। एक ओर अब दिल्ली में और प्रदेश की सड़कों पर किसान सरकार से भिड़ रहे हैं 3 अध्यादेशों को लेकर, तो दूसरी ओर किसान संगठन आपस में ही भिड़ रहे हैं। मेरा नाम सतीश कुमार है जी। ऐसा है जी सर, देखो काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब जीरी को देख लो आप, चावल निकल गए हैं इसके, इतनी सूख चुकी, किरणें लगी थी खेत में, 10-12 दिन की वेट करके आज कटानी पड़ी है। आज सुबह लेके आए हैं इसको मंडी में, तो मतलब हम तो यही चाहते हैं भाई जल्द से जल्द खरीद हो इसकी, कोई खरीदे, प्राइवेट खरीदे, सरकार खरीदे, कोई भी खरीदे, खरीद ले, खरीद से मतलब हमारे को। धान लेके आ रहे हो आप? हाँ, धान 8 दिन हो गए बैठे मंडी में, इब कल्ले कल्ले जने हूँ, इब तक खेत में जावा के मंडी का पैरा दे, वहाँ क्या करा कि सड़क पर जावा, तक क्या करे, दुखी हो गए, 8 दिन हो गए यहाँ बैठे में। कौन सी जीरी ले कर रहे हो? PR 26 है। PR 26 कितने दिन की जीरी है? ये 90 दिन की वैरायटी है और ये 105 दिन में काटी, और कब तक खेत में रखा है इसमें? 90 दिन की वैरायटी मतलब 105 दिन में काटी है। अब ये देख लो 8 दिन बाद इसमें मशीन लगने लग रही है, आज कोई नमी हो इसमें, कोई सूखा माल जल्दी सेलर में गिर ले चल, तब करें कि तो क्या करें, सड़क में खड़े हो मैं कि अपना खेत में देखा कि अपना मंडी में देखा, इतना बुरा हाल हो रहा है। नहीं पहला ठीक था, जब माल आवा था अपना बिक तो जाए करा था, जैसे जो रेट जैसी जिनसो एक रहती ऐसा रेट मिल जाता, अब नौ भी नहीं था, ये पका पका का 15 दिन बाद कटाई है, फिर भी नहीं उसको पूछ रहे कोई, करें तो क्या करें। इससे तो ये मोदी सोदी है जो से, इससे तो सारे ने जहर जूर दे दे, वो ठीक रह जाएगा, यही कल्ले खुश हो जाएंगे जिनसे भी ये बड़े बड़े बैठे हैं ना ये। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।